उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में कोतवाली देहात पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से बिहार ले जा रही अवैध शराब के साथ साथ चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। बरामद शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बुलंदशहर पुलिस को और एसीबी टीम को एक सूचना मिली थी कि कुछ शराब जो है हरियाणा से तस्करी करके दूसरे प्रांतों को ले जाई जा रही है। उस सूचना के आधार पर इन लोगों ने उसको ट्रैक किया। ट्रैक करने पर एक ट्रक बरामद हुआ जिसमें चार व्यक्ति सवार थे जो हरियाणा के रहने वाले हैं। उनसे करीब 157 पेटी शराब जिसमें 1884 बोतलें हैं बरामद हुई है। उस ट्रक को जब छानबीन की गई तो पता लगा कि उन्होंने एक केबिन अंदर बना रखा है। उसी केबिन में उन डिब्बों को रख देते हैं और अन्य सामान लाद करके ले जाते हैं। उनमें जो उसकी अनुमानित कीमत लगभग जो बताई जा रही है 12-15 लाख रुपए के बीच में बताई जा रही है। बाकी छानबीन इनसे की जा रही है कि कैसे क्या है, क्या करते हैं, पहले भी इनका कोई इतिहास रहा नहीं रहा है। उन सारी चीजों छानबीन करने के पश्चात मुकदमा पंजीकृत किया कर लिया गया है। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। छानबीन के पश्चात और कोई बात अगर आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।